नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कि संध्या पूजा विधि क्या है। दोस्तों, सुबह में पूजा करना चाहिए, शाम के वक्त पूजा करना चाहिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुबह के समय वक्त नहीं मिलता है। आप अपने ऑफिस जाते हैं, आप बहुत दूर जाते हैं, तो आपको सुबह जल्दी उठ के फटाफट से तैयार होकर जाना पड़ता है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। या बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पास बिल्कुल वक्त नहीं रहता है कि सुबह वो विधिवत पूजा करें, थोड़ा बहुत धूप दीप दिखा के फटाफट से किसी तरह कार्य निपटा के वो निकलती हैं। तो ऐसे टाइम में आप शाम के वक्त भी पूजा कर सकते हैं। ये भी समय बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए, जिससे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि भी रहती है। अगर सुबह आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो शाम के समय सूक्ष्म भी पूजा कर सकते हैं, और मंत्रोच्चारण के साथ में आप पूजा करेंगे तो उसका प्रभाव कुछ ज्यादा होगा। तो आज इस वीडियो में हम शाम की सूक्ष्म पूजा विधि जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हमेशा की तरह बोलूंगी कि अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके बाद बेल आएगी उसे जरूर प्रेस करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पूजा शुरू करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में अवश्य रखें। हमने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि पूजा करते समय आप एक ही समय का चुनाव करें, एक ही वक्त पे करें। जैसे कि जब गोधूली बेला होती है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, गोधूली बोला शाम के वक्त को बोलते हैं, जब सूरज ढलता रहता है और जो चंद्रमा होता है यानी कि चांद निकलता है और सूरज उगता है, डूबता रहता है, इसी समय को गोधूली बेला कहती है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण गाय चरा के वापस आते थे, इसी समय जब सूरज डूबने लगता था तब सारी गायें अपने आप ही अपने घर की तरफ चल देती थी, और इतना ज्यादा गायों का जो कह लीजिए कि इतनी ज्यादा गाय रहती थी और एक धुन में एक साथ वो लोग गले में घंटी वगैरह पहनी रहती थी, तो बड़ी अच्छी आवाज भी आती थी, तो उस तरीके से जो वो लाइन में चलती थी तो उनके पैरों के वजह से, चलने की वजह से एक धूल निकलती थी, पूरे माहौल में धूल धूल भर जाता था। तो इसी कारण भी इसे हिंदू मान्यता के अनुसार गोधूली बेला भी कहते हैं, और इसे प्रदोष काल भी कहते हैं, और संध्या का समय। तो यही समय बहुत ही प्रमुख होता है हमारे पूजा के लिए। इस समय बहुत सारे कार्य वर्जित भी होते हैं, तो आप वो सारे कार्य ना करें। प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही शुभ होता है और इसका प्रभाव डबल हो जाता है। और समय का चुनाव आप एक समय रखें, और स्थान का भी चुनाव पर डे, आप आज यहाँ पे आज वहां पे, इस तरीके से पूजा आप घूम घूम के ना करें, एक स्थान बना लें। इसीलिए जो आपका पूजा का मंदिर है आप वहीं पे पूजा करें, अपने घर पे। यदि आप कहीं घर से बाहर हैं उस वक्त और आपको लगता है कि हमें अपना मंत्रोच्चारण जो हम पर डे करते हैं उसे करना चाहिए, तो वहां भी आप ये कार्य कर सकते हैं। उस अवस्था में आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने घर में कर रहे हैं तो एक ही स्थान का चुनाव अवश्य करें। तो आसनी चाहिए, जैसे ये आसन है बैठने के लिए। आप जमीन पे डायरेक्ट बैठ के कभी भी पूजा ना करें, एक चटाई ले लें कुसा की, या फिर इस तरह की आसनी ले लें। दोस्तों, संध्या के पूजा में अगर आप पर्दे वाली पूजा कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, ये सारी चीजें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले तो एक आप इस तरीके से कॉटन का कपड़ा ले लें, जो हम लोग को नारियल के साथ में चुंदरी के भी लगाने के लिए मिलता है, तो इस तरह आप रख लें। इससे भगवान का आप तस्वीर को पोछा करें, शाम के वक्त जो चंदन वगैरह लगा रहता है उसे हम पोछ देंगे। उसके बाद एक पात्र में आपको गंगा जल लेना है, और ये कुछ घास लेना है, कुछ घास की वजह से आपकी सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। और आपके पास कुछ घास नहीं है तो आप एक आचमनी भी ले सकते हैं इस तरीके से, और एक घंटी अवश्य लें, क्योंकि शाम के पूजा में आपको घंटी बजाना रहता है। दीपक लेंगे, हमें दीपक जलाना अवश्य रहता है, क्योंकि संध्या काल, वैसे पूजा के समय सुबह हो या शाम, दीपक का बहुत बड़ा महत्व रहता है, लेकिन शाम के समय प्रकाश की व्यवस्था करना बहुत ही नितांत आवश्यक होता है। हम अंधेरे में प्रकाश करेंगे तो भगवान हमारे जीवन में प्रकाश करेंगे, तो ऐसा मान के भी आप एक दीपक लगाएं। और धूप दीप ले लें, ये जैसे कि धूप है, आप इसको थोड़ा सा निकाल के ले लें, और जैसे हल्दी कुमकुम इस सब की आवश्यकता उतनी नहीं रहती है यदि आप कोई खास पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आप एक माचिस ले लें, और एक कपूर है ये दोस्तों,
हमारा कपूर जलाने के लिए एक कोई पात्र ले ले छोटा सा, जिसके अंदर हमारा कपूर जल सके। और ये भोग लेना है, हमने यहाँ पे मिश्री आपको दिखाने के लिए लिया है। आप मिश्री ले ले या कोई दूध से बनी कोई मिठाई ले सकते हैं, या फिर बताशे ले सकते हैं, मतलब कुछ भी आप भगवान को भोग लगाएं। बिना भोग के पूजा आपकी संपूर्ण नहीं होती है। तो भोग और दीपक अवश्य ले। और ये धूप दिखाना होता है, यानी कि पूजा के पहले एक माहौल क्रिएट करना होता है जिससे हमारा मन एकाग्र रहे और शांत हो। तो इतनी सारी चीजों को ही लेकर आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, संध्या के समय में मंत्रोच्चारण का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आप मंत्रों का जाप अवश्य करें। तो ये हमने माला लिया है, अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग माला की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये माला हमारा कमल गट्टे का माला है, आप देख सकते हैं ये कमल गट्टे का माला है, ये टूट गया है दोस्तों। मैं आपको इसीलिए दिखाने के लिए लाई हूँ कि टूटे हुए माले से कभी भी आपको मंत्र का जाप नहीं करना होता है। कि जैसे ये माला टूट गया और आपने इसकी धागे को जोड़ के और माला बना लिया हो, तो इस तरह का माला खंडित माला हो जाता है, और खंडित माला को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको इस तरीके से जो माला बना हुआ रहता है, इसी तरीके के माला का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो आप जिस तरह के मंत्र जप रहे हो, जैसे कि आप माता दुर्गा का मंत्र जप रहे हैं या शिव भगवान का जप रहे हैं, तो उस समय आप रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर श्रीहरि विष्णु के मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं तो तुलसी के माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर माता लक्ष्मी का है तो आप कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल करें। और हो सके कि तो आपका एक अपना पर्सनल माला होना चाहिए, ये नहीं कि इसी माले से आपके माता पिता जप रहे हैं उसी माला से आप जप रहे हैं। कोई भी चीज लगातार इस्तेमाल करते करते उसमें एनर्जी क्रिएट हो जाती है, तो इसीलिए इस माले में आपके मंत्रोच्चारण से और आपकी पूजा से इसमें एक प्रकार की एनर्जी आ जाती है। तो आप अपना माला अलग अलग रखें, क्योंकि हर कोई एनर्जी अलग होती है, और जब वो फिर टच में आती है तो वो उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है। इसीलिए पूजा करते वक्त आप अपना चटाई यानी जिस आसन पे आप बैठ के पूजा करते हैं वो, और अपना माला हो सके तो अलग बिल्कुल रखें, इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। तो हमेशा अपने शरीर को अपने मन को शुद्ध रखें। उसके बाद जैसे ये भगवान है तो आप इनके पूजा के फूलों को, जो सुबह आपने पूजा के फूल चढ़ाए हैं, उन्हें आप बाएं हाथों से अंगूठे और तर्जनी के हेल्प से आप इन्हें हटा लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है इनको और इसको और भी जो यहाँ पे ये हैं, तो इस तरीके से आप सब फूलों को हटा लेंगे। और हटाने के बाद एक पात्र में आपको इस तरीके से रख लेना है, तो बाद में आप इसे विसर्जित भी कर सकते हैं इस तरीके से। सभी भगवान के फूलों को हटाएं, उसके बाद जो ये चंदन वगैरह लगा है आप इसे एक गीले कपड़े से इसे पोंछ दें, जैसे कि हम लोग सोते समय अपने श्रृंगार को उतार के सोते हैं, इसी तरह भगवान को भी आपको जो श्रृंगार है उसे हटा देना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले आप एक पात्र में जो गंगा जल आपने लिया है उससे आप पहले अपने शरीर को शुद्ध करें। हो सके तो स्नान कर लें, जैसे हम लोग सुबह पूजा करने से पहले स्नान करते हैं, स्नान कर लें। यदि इतना संभव नहीं है तो आप स्वच्छ कपड़े पहने हाथ पैर धो के पूरे हाथ पैर मुंह को आप साफ कर लें। अपने सिर से ऊपर इस तरीके से जो भी आपका जल है आप कुसा ले लें, उससे आप जल छिड़क लें। उसके बाद आप एक हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें और मंत्रोच्चारण के साथ उसे आप शुद्धि करें। उसके बाद फिर आप अपने शरीर पे और जितनी भी चीजें हैं आप उसको शुद्ध कर लें, आपका मन पवित्र हो जाए, उसके बाद फिर आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। और पूजा शुरू करने से पहले आपको 2 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना नहीं रहता है। आप ये नहीं कि आप भोजन करें, यानी कि आप ऑफिस से आए पूरा भरपेट आपने नाश्ता कर लिया उसके बाद पूजा स्टार्ट करें। पूजा स्टार्ट करने से 2 घंटे पहले कम से कम आपने भोजन किया हो, क्योंकि बहुत ज्यादा भरे पेट से भोजन ना करने का मतलब ये नहीं कि आप उपवास करके भोजन करें। कहने का मतलब कि जब आपका पेट बहुत भरा रहता है, भरे हुए पेटों के साथ बहुत देर तक बैठा नहीं जा सकता है, आप उसके साथ मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेट होता है जब वो खाना रहता है तो बहुत तरीके
गैस बहुत तरीके की अंदर जो क्रियाएं होती रहती है वो हमारे मन को एकाग्र करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इसी वजह से आपने कभी भी किसी भी अनुष्ठान में किसी को बैठते हुए देखा होगा तो हमेशा उपवास का विधान बताया गया। उपवास करने का यही मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है, आपके अंदर जो उथल पुथल है, यानी कि आपके मन एकाग्र हो पूजा करते समय। तो इसीलिए पूजा के वक्त आपको पूरा फुल पेट भर के नहीं बैठना चाहिए। हल्के पेटों से आप बैठेंगे तो आपको आसानी होगी अपने मन को एकाग्र करने में और अपने भगवान की पूजा करने में। तो इस तरीके से आप अपने भगवान की साफ सफाई करें, उसके बाद फिर आप उन्हें धूप दीप दिखाएं, जल चढ़ाएं, एक दीपक अवश्य लगाएं। और धूप दीप दिखाने से एक माहौल सा बन जाता है पूजा करने का, यानी कि हमारा जो मन है वो एकाग्र होने लगता है। मन बड़ा चंचल रहता है, कभी इधर की बातें, कभी दुनिया भर की बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो इसलिए सुगंधित चीजों से हमारा मन एकाग्र हो जाता है। इसीलिए हम लोग तरह तरह की खुशबू वाली धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं मन को एकाग्र करने के लिए, एक माहौल क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से आप करें। उसके बाद आप यदि कोई पाठ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप ना करें तो आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं माला के द्वारा। वैसे तो आप कोई भी मंत्र जप लीजिए अपने इष्ट देव का, जो भी आपको आता है, नहीं तो आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही प्रभावकारी होता है। गायत्री मंत्र में बहुत ही शक्ति होती है आपके बहुत सारे दुखों का निवारण करने के लिए और आपके अंदर एक अच्छी सी ऊर्जा पैदा करने के लिए। तो आप मंत्रोच्चारण करें गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र का उच्चारण आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से करके आप अपने आंखों को बंद करें और आलथी पालथी मार के आप बैठ जाएं अच्छे से मुद्रा में, और अपने हाथों में माला लेके भगवान जी का ध्यान करें। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आप अपनी आंखें बंद करें तो उन्हीं का चेहरा आपको नजर आना चाहिए। और उसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला, तीन माला, पांच माला, यानी कि सम माला जपने का विधान नहीं है, आप विषम माला जप सकते हैं, तीन पांच एक एक भी जप सकते हैं। तो इस तरीके से आप माला जपें। उसके बाद आरती करना नितांत आवश्यक है। संध्या काल की पूजा में आरती बहुत ही आवश्यक होती है। आप भगवान को पहले भोग लगाएं और उसके बाद फिर आरती करें। आरती में आप अपने पूरे परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लें, बच्चों को, बुजुर्ग को, ऐसे बुजुर्ग हैं जो ज्यादा चल फिर नहीं पाते तो आप उनकी चेयर की व्यवस्था कर दें, वहां पे वो बैठ जाए, ताली ही बजाए। और आप आपके घर में शंख है, घंटी है, वो सारी चीजों को आप लेके भगवान को प्रसन्न करें और आरती गाएं। आरती गाने के लिए आप गणपति जी की सबसे प्रथम आरती गाएं, गणेश भगवान का आरती गाने के बाद आप श्री हरि विष्णु की आरती गाएं, ओम जय जगदीश हरे जो होता है उसे आप प्रतिदिन अपने घर में गा सकते हैं। तो आरती गाएं। अब कपूर की आरती आपको लगाना चाहिए, कपूर की आरती दिखाएं, उसके बाद वो आरती आप भगवान को समर्पित करें। इस तरीके से मैंने अपने बहुत सारे पूजा विधि में आरती वगैरह का बताया है विधान की किस तरह से भगवान को शीतलीकरण करके आरती देते हैं। उसके बाद उस आरती को आप पूरे परिवार से लें और पूरे घर में दिखाएं। कपूर की आरती बहुत ही शुद्ध आरती होती है, उससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर के रहने वाले मनुष्यों की, आपके परिवार में सुख शांति आती है, उनका मन शांत रहता है। आप अपने पूरे घर में, आप वॉशरूम और बाथरूम छोड़ के आप हर कमरे में आप आरती दिखाएं। पर डे आप सुबह शाम ये करना शुरू करें, आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं, बहुत सारे भ्रम ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो आप करके आप प्रणाम करें, उसके बाद फिर आप अपने आसन को उठाएं। आसन को उठाने के लिए आप वहां पे थोड़ा सा जल डालें, बिना जल डाले आप आसन को कदापि ना उठाएं। जल डालने के बाद आपने तीन बार ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इंद्राय नमः बोल के आप अपने आसन को तह करके अपने स्थान पे रख दें। और फिर धूप दीप जब तक जलता है आप भगवान के मंदिर को ऐसे ही खुला रखें। उसके बाद जब धूप दीप शांत हो जाता है तो आप भगवान के मंदिर को हल्का सा बंद कर दें
बहुत ज्यादा धूल गंदगी ना पड़े, और प्रणाम करके भगवान को सहन के लिए छोड़ दें और खुद आप अपने पढ़ाई लिखाई करें कुछ। आप इस तरह देखेंगे कि शाम को संध्या को कपूर की आरती करने से आपके घर के लोगों का मन बड़ा शांत रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है। और जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं शाम के वक्त ज्यादा रोने लगते हैं, उनमें अंदर से बहुत ज्यादा व्याकुलता आती है। जब सूरज ढलने लगता है उसके बाद बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं चारों ओर फैलती रहती हैं, क्योंकि सूरज की ऊर्जा तो रह नहीं जाती है इसके कारण भी। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कभी शाम के वक्त बच्चे ज्यादा रोते हैं, तो उनका यही कारण होता है, उनका मन अंदर से विचलित रहता है। तो यदि आप अपने घर में धूप दिखाएंगे, कपूर की आरती करेंगे, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी संध्या पूजा विधि, सूक्ष्म तरीके से, साधारण तरीके से, जिसमें आप कर पाए। तो हमें उम्मीद है कि हमारी ये पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।